ये अंकल जी और ये अंकल जी और ये अंकल जी भी मुझे पलट पलट के क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैं इंडियन हूँ या मैंने साड़ी पहनी है? बट यहाँ तो मैंने कुछ नहीं पहना है, तो क्यों देख रहे हैं? ऐसा रिएक्शन क्यों भाई? शायद मेरी स्किन ब्राउन है। ऑलिव यंग कोरिया का सबसे फेमस ब्यूटी प्रोडक्ट स्टोर है, एंड गेस व्हाट, मेरे कलर का फाउंडेशन था ही नहीं। आपको पता है 16th बर्थडे पे प्लास्टिक सर्जरी एज अ गिफ्ट दी जाती है यहाँ पे। यही मैंने अगर अपनी मम्मी से मांगा होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। तो इन शॉर्ट मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ फिर। बट यार एक चीज तो है, कोरियंस आर वेरी गुड एट हार्ट। इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि कोरिया में अगर रेसिज्म है तो कहाँ है एंड कितना है। मैं सोल में 4 लोगों से मिली थी जो बांग्लादेश से थे। दे वर वेरी नाइस पीपल, बट उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो एक डिफरेंस है बिटवीन द यंग जनरेशन एंड द ओल्ड जनरेशन वो बहुत ही ज्यादा। एंड एक्चुअली आई ऑल्सो फेल्ट द सेम। एक दिन आई वॉज गोइंग टू दिस पर्टिकुलर स्टोर एंड यहाँ पे बाहर एक अंकल जी काम कर रहे थे। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं एंड मैं गई और उन्होंने धत धत कर दिया। मैं कोई भेड़ बकरी थोड़ी हूँ जो धत धत कर दोगे, बट कोई ना, आई हैव मेट मेनी यंग पीपल एंड दे वर वेरी नाइस। बहुत ही अच्छे से बात की। ये दोनों कपल ने तो मुझे 20 मिनट्स तक हेल्प किया था ये कैफे ढूंढने में। तो यहाँ की यंग पब्लिक तो बहुत ही अच्छी है। ये ओल्ड सोल है एंड ये पूरा एरिया जो कि गोकबुकगुंग पैलेस के पास है या जितने भी पैलेसेस हैं उनके पास ओल्ड पॉपुलेशन रहती है। आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे एवरेज एज 50-60 अबव है। तो जो ओल्ड लोग हैं उनके साथ हल्का सा लैंग्वेज बैरियर होता ही है। जैसे हमारे यहाँ मोस्टली दादी या नानी लोगों को इंग्लिश नहीं आती, सेम वहां पे भी वैसा ही है। अगर मैं न्यू सोल की बात करूं तो इसमें आता है हमारा यूथ, मतलब जितना भी कॉलेज पॉपुलेशन की जनता है जो कि होंगडे के पास रहती है या फिर जो यूनिवर्सिटी एरियाज है। ये बहुत ही अच्छे लोग हैं, इतने ज्यादा हेल्पफुल। एक हेल्प मांगोगे तो 20 मिनट तक हेल्प करेंगे जब तक तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन ना मिल जाए। कोई भी रास्ता पूछोगे तो तुम्हारे साथ जाके तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे। एंड अगर तुमने बोला दैट यू आर एन इंडियन तो वो यही सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं। पुसान बिल्कुल अलग ही प्लेस है। जैसे सोल में एवरीवन रन्स फॉर परफेक्शन, मतलब अगर कोई भी बाहर है तो उसके बाल से लेके उसके शूज तक सब मैच कर रहे होते हैं। बट बुसान में यू विल फाइंड पीपल लाइक अस जिनके झबड़े जैसे बालों, मेकअप का कोई आइडिया नहीं है एंड कुछ भी पहन के आ गए। तो हाँ, कोरिया में नॉर्मल लोग भी रहते हैं एंड ये मुझे बुसान आने के बाद पता चला। एंड मुझे बुसान आके पता चला कि सबकी ग्लास स्किन नहीं होती है। तो ये मिथ तो सच नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं सारी मिथ्स को लेके एक वीडियो बनाऊं। काफी सारी चीजें सच नहीं होती जो हम के ड्रामा में देखते हैं। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ जो कि सच होती है। एक पर्सन एक दिन में 3 टाइम्स स्किन केयर करता है। इन द मॉर्निंग जहाँ पे अराउंड 10-12 प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर इवनिंग में जिसमें मोस्टली सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर होता है, फिर नाइट में जिसमें एक फेस पैक या फिर एक फेस मास्क होता है एंड ओवरऑल 12 प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आपको इतना करने के बाद ग्लास स्किन अचीव होती है। नाउ गेटिंग बैक टू द वीडियो, जब मैं भूसान से सोल जा रही थी ट्रेन में तो उसमें एक ऑप्शन होता है ना सीट पीछे करने का, तो मैंने सोचा मैं भी पीछे करके सो जाती हूँ। बट मैंने जैसे ही सीट पीछे की, पीछे से एक अंकल जी चिल्लाने लगे, मतलब क्यों भाई, मैं सीट ही पीछे नहीं कर सकती हूँ क्या? शायद मैं कोरियन होती तो वो ना चिल्लाते। लेकिन फिर मैंने पूरे रास्ते सीट पीछे नहीं की एंड मेरी पीठ में बहुत दर्द हुआ। तो बस वही है, हर जगह हर टाइप के लोग मिल ही जाते हैं। एंड कुछ अंकल लोग तो बहुत ही कूल थे, जैसे ये ऑरेंज जैकेट वाले अंकल। ये मुझसे नॉर्मली बात करके पूछ रहे थे कि मैं कहाँ से हूँ। वैसे जेजू में रेसिज्म बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग खुद ही आके मुझसे बात करके पूछ रहे थे क्या मैं फिलीपीन से हूँ या मैं वियतनाम से हूँ या मैं इंडोनेशिया से हूँ। सो जेजू में टूरिज्म इतना ज्यादा है कि वहाँ रेसिज्म है ही नहीं। वहाँ के लोगों को आदत ही है दुनिया भर के लोगों को देखने की। अगर मैं जेजू के एजेड पॉपुलेशन की बात करूं एंड सोल के एजेड पॉपुलेशन की बात करूं, तो आई वुड से जेजू के लोग आर प्रिटी कूल, वेयर सोल के लोग आर प्रिटी एग्रेसिव। आई गेस दिस इज आल्सो डिपेंड्स ऑन काइंड ऑफ वर्कलोड, क्योंकि जेजू इज एन आइलैंड तो वहां कोई आईटी सेक्टर या बहुत ही प्रेशराइज जॉब नहीं है। बट सोल बीइंग द आईटी हब, यहां पे रोज लोग 9 to 5 करते हैं, एक डेफिनेट रूटीन फॉलो करते हैं और अपनी लाइफ उसी में काट काट के मर जाते हैं। देखा जाए तो हम ऐसी लाइफ ड्रीम नहीं करते हैं, बट वी एंड अप डूइंग द सेम थिंग।
ओके सो वेयर वाज आई ब्लैक एंड ब्राउन पॉपुलेशन सो यहाँ पे आई हैव रेयरली सीन ब्राउन पीपल या ब्लैक पीपल एज कम्पेयर टू माई ओन कंट्री यहाँ पे ज्यादा फॉरनर्स दिख जाते हैं बट कोरिया में इतने नहीं है ब्लैक एंड ब्राउन तो बहुत ही कम है बट इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा है ऊपर से आई वेंट टू दिस इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे मैं 11 बजे पहुंची सुबह सुबह बट बिल्कुल एकदम से सब भर गया मतलब दे लव इंडियन फूड एंड यहाँ के जो इंडियन रेस्टोरेंट्स के जो शेफ्स हैं वो भी इंडियन है तो खाना आपको अच्छा मिलेगा और एक मुझे अंकल जी मिले थे जो कि इंडिया में बुद्धिज्म प्रैक्टिस करने आए थे एंड वो इंडिया में कई साल रहे थे उन्होंने बोला कि उन्हें इंडिया बहुत ही अच्छी कंट्री लगा था आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि यहाँ पे कोरियंस को ट्रांसलेटर यूज करने में थोड़ा सा हेडेक होता है बट अगर मैंने उनसे ही कोरियन में थोड़ी सी बात कर ली तब बहुत खुश हो जाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू विजिट कोरिया देन प्लीज थोड़ी सी कोरियन सीख के आना सो दैट आपके लिए चीजें इजी हो जाए एंड अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि मैं आपको थोड़ी बहुत कोरियन सिखा दूं देन मुझे कमेंट्स में बता देना तो अगर अब हम बात करें रेसिज्म कहां पे है तो आई वुड से सबसे ज्यादा सोल में है सोल में हर इंसान बिल्कुल परफेक्ट ही रहता है एंड उनको बस अपनी लाइफ से ही मतलब है मतलब जो हम के ड्रामा देखते हैं कि वहां पे परफेक्ट बंदे परफेक्ट लोग परफेक्ट बंदियां पूरा सोल ही उनसे भरा हुआ है तो मेरे ख्याल से के ड्रामा के डायरेक्टर्स को दिक्कत ही नहीं होती होगी किसी इंसान को उठाने में तो इन सोल यस यू विल बी जस्ट ऑन योर ड्रेसिंग सेंस एंड ऑन योर स्किन कलर रही बात बुसान की बुसान में थोड़े नॉर्मल लोग हैं जो कि कम थोड़ा सा ड्रेस्ड अप होते हैं एंड दे प्रेफर लिविंग देयर ओन लाइव्स एंड लास्ट है जेजू क्योंकि जेजू में आपको ऑलरेडी इतने सारे बाहर के लोग मिल जाएंगे कि आपको समझ आ जाएगा यहाँ रेसिज्म जैसी कोई चीज ही नहीं है एंड सब लोग अपनी लाइफ में चिल रहते हैं एंड इफ यू आर प्लानिंग टू विजिट कोरिया एंड आपको लगता है कि आपके साथ रेसिज्म नहीं होगा तो जरूर होगा बट आप उसको लेके इतना घबराओगे तो पक्का होगा इससे बेटर है मत घबराओ एंड चुपचाप विजिट करो इतना सोचना नहीं होता रेसिज्म के बारे में जब हो जाए कोई बात नहीं आगे बढ़ो तो ये सब रेसिज्म वगैरह झेलते झेलते मैंने सोचा मैं बीच बीच में थोड़े बहुत सीन्स क्रिएट कर लूं जो मुझे के ड्रामास में बहुत ही अच्छे लगे अगर आपको जानना है मैंने ये सीन्स कहां क्रिएट किए एंड कैसे क्रिएट किए देन प्लीज क्लिक ऑन दिस वीडियो राइट हियर